निम्बल न्यूज द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे निम्बल न्यूज चैनल पर। उम्मीद है पूरी निम्बल फैमिली अच्छी होगी। आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक आर्यन के बारे में। कार्तिक आर्यन जो कि एक बॉलीवुड के उभरते हुए अभिनेता हैं, लेकिन आजकल उनके साथ नए नए विवाद जुड़ते जा रहे हैं। फिल्मों से निकालने का सिलसिला उनके साथ जारी है। इससे पहले वो एक बार दोस्ताना 2 से निकाले जाने को लेकर चर्चा में थे, लेकिन हाल ही में फिर दोबारा से उन्हें एक बार दूसरी फिल्म से निकाल दिया गया है और इस फिल्म का नाम है फ्रेंड। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे अजय बहल और ये रेड चीज एंटरटेनमेंट के कंपनी के अंदर बनाई जा रही थी और ये कंपनी है शाहरुख खान की। तो आइए जानते हैं किस वजह से उन्हें निकाला गया है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस फिल्म में भी स्क्रिप्ट्स को चेंज करने की मांग कर रहे थे और बताया गया कि जब उन्होंने ये फिल्म साइन की थी उस वक्त वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट से सहमत थे, उन्हें उससे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके बाद से ही वो डायरेक्टर्स पर दबाव बना रहे थे स्क्रिप्ट्स को चेंज करने का, जिसके चलते कंपनी ने उन्हें टाटा बाय बाय कह दिया। आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म में पहली बार वो कैटरीना कैफ के साथ नजर आने वाले थे, लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था और किसी न किसी वजह से उन्हें इस फिल्म से भी निकाल दिया गया। साथ ही आपको ये भी खबर दे दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उन्होंने फिल्म साइन की थी तो उन्होंने अपनी एडवांस पेमेंट 2 करोड़ रुपए ली थी, ये इनकी एडवांस फीस थी, लेकिन जब उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया तो उन्होंने ये अपना एडवांस अमाउंट वापस कर दिया है, पूरे के पूरे 2 करोड़ वापस कर दिया है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही रेड चिली एंटरटेनमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है और ना ही कार्तिक आर्यन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। हालांकि खबरों के मुताबिक ये देखा जा रहा है कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कैटरीना कैफ के अगेंस्ट एक नया चेहरा तलाश रहे हैं उनके साथ लीड रोल के लिए। आपको बता दें इससे पहले भी जब दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को बाहर निकाला गया था तो वो लगभग 20 दिन की शूटिंग कंप्लीट कर चुके थे। ऐसे में धर्मा प्रोडक्शन ने जब उन्हें निकाल दिया तो उनकी जगह जिस भी लीड एक्टर को उसमें शामिल किया जाएगा उस हीरो के साथ सारे फिल्म सीन्स दोबारा से शूट किए जाएंगे, यानी जो 20 दिन की शूटिंग हो गई थी वो भी दोबारा से शूट की जाएगी, जिसकी वजह से धर्मा प्रोडक्शन को करोड़ों का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए धर्मा प्रोडक्शन ने एक ऑफिशियल नोट भी दिया था जिसमें उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि वो दोस्ताना 2 की कास्टिंग दोबारा से कर रहे हैं, हालांकि इसमें कुछ लोगों को वापस पहले कास्टिंग वाले को ही रखा गया है, जैसे कि जाह्नवी कपूर और लक्ष्य को इसमें रखा गया है, बाकी और दूसरे लोगों को चेंज किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके की और खबरें पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए निम्बल न्यूज पर और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि कार्तिक आर्यन का भविष्य में इस चीज़ से लेकर कोई परेशानी हो सकती है या नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बॉलीवुड में ऐसी कोई घटना भी देखने को नहीं मिली है जिसमें किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही लीड एक्टर को हटा दिया गया हो, फिल्म से निकाल दिया गया हो। काफ़ी समय के बाद ऐसी घटना आई है और लगातार कार्तिक आर्यन को 2 ही फिल्म से निकाला गया है, जिसकी वजह से उनकी इमेज को तगड़ा धक्का लग सकता है। तो ये राय हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि इससे उनकी इमेज पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। धन्यवाद। Oh,